हेलो साथियों कैसे हैं आप लोग मैं अपना चैनल एग्जामपुर में स्वागत करता हूं हम एग्जामपुर कलम से कर दोस्तों आज आप लोग के लिए पॉलिटी का लाइव टेस्ट लेकर क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक में कवर कराने जा रहा हो बहुत कम समय में, में, में दोस्तों तो जल्दी से आप लोग आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका का लाइव टेस्ट ठीक है दोस्तों आपका लाइव टेस्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों देर ना करें जल्दी जल्दी आप लोग आ जाए और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है आप लोग जल्दी जल्दी सही जवाब देने का प्रयास करें दोस्तों और सब बताए कैसे आप लोग सब कुशल मंगल ठीक ठाक चलो दोस्तों तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाइए जो नए विद्यार्थी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों चलो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी जल्दी आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करें और दोस्तों आ, आप लोग काउंटिंग करके बताने का प्रयास करें कितना आप लोग का सही हो रहा है और आपको अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके जरूर मुझे बताने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग चुका है आपके स्क्रीन पर आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें बहुत अच्छा चलो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय किससे है ऑप्शन ए आपका संघीय सरकार बी है संसदीय सरकार सी है लोकतांत्रिक सरकार और डी आपका स्थानीय सरकार क्या सही जवाब होगा दोस्तों जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय आप लोग याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानीय सरकार से है ठीक है मेरे भाई नेक्स्ट दोस्तों पता है ना कि स्थानीय सरकार जैसे आप लोग जानते हैं केंद्र सरकार 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 है राज है राज्य और तीसरा स्थानीय यानी सरकार को तीन भागों में बांट करके हम शासन प्रणाली के आधार पर सरकार को तीन भागों में हम लोग बांट करके देख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा विकेंद्रीकरण स्थानीय सरकार ठीक है एक का सही जवाब क्या होगा डी हो जाएगा एक बात और करते हैं दोस्तों विकेंद्रीकरण के बारे में सर्वप्रथम जो एक कंसेप्ट जो है भारत में किसने दिया था विकेंद्रीकरण व्यवस्था लाने का सबसे पहली बार प्रयास लॉर्ड मियो ने किया था मेरे भाई ठीक है तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड मियो का कंसेप्ट है भारत में विकेंद्रीकरण देने का ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था ऑप्शन ए आपका बलवंत राय मेहता बी अशोक मेहता सी एफ रॉयल कमीशन डी एन में से कोई नहीं क्या सही जवाब होगा दोस्तों जल्दी से बताने का प्रयास करें बहुत अच्छा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों यह कांसेप्ट देने वाले कौन थे तो बलवंत राय मेहता ठीक है मेरे भाई तो बहुत अच्छा शानदार आप लोग का जवाब है बलवंत राय मेहता के अनुशंसा पर दोस्तों क्या लाया गया था आपका त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है जल्दी से आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करिए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो बलवंत राय मेहता अशोक मेहता भी इनसे संबंध रखता है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें बहुत अच्छा भाई और आप लोग कमेंट करके सही जवाब देने का प्रयास करें देख रहा हूं बहुत विद्यार्थी बिल्कुल शानदार जवाब दे पा रहे हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई थी ऑप्शन ए आपका राय मेहता बी अशोक मेहता सी आपका के एन कटाजू डी आपका जगजीवन राम क्या सही जवाब होगा दोस्तों जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आप जानते हैं ना कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था जो दिया था बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर लिया गया था और दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की जांच करने के लिए अशोक मेहता ने कहा कि भाई त्रिस्तरीय के जगह पर द्विस्तरीय होना चाहिए ठीक है दोस्तों ये बात किसने कही तो दोस्तों अशोक मेहता ने किया था तीन का सही जवाब क्या होगा तीन का सही जवाब बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है दोस्तों तीन का सही जवाब क्या होगा अशोक मेहता समिति थे ठीक है तीन का उत्तर हो जाएगा बी क्वेश्चन नंबर चार पर आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें बहुत अच्छा शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तीन स्तरीय पंचायती राज में शामिल है कौन कौन है भाई आप लोग बताने का प्रयास करें स्क्रीन पर ऑप्शन आ चुका है जल्दी से बताने का प्रयास करिए हमने बात किया था कि सबसे पहली बार त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की बात किसने कही थी दोस्तों तो बलवंत राय मेहता समिति ने तो तीन स्तर की बात है इनमें कौन कौन है बताने का प्रयास करें ऑप्शन ए है आपका ग्राम स्तर पंचायत अंचल और पंचायत समिति बी है जिला पंचायत उप जिला पंचायत और अंचल स्तर सी है ग्राम स्तर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर डी ग्राम स्तर समिति जिला परिषद क्या सही जवाब होगा दोस्तों इसका सही जवाब सी हो जाएगा ग्राम स्तर पंचायत ठीक है ग्राम स्तर पंचायत ब्लॉक स्तर और जिला स्तर तो चार का सही जवाब क्या होगा सी हो जाएगा दोस्तों यही बात किसने कहा था यही बात कहा था आपका बलवंत राय मेहता ने ठीक है और तीन के जगह पर दो लाना कौन चाह रहे थे अशोक मेहता ने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर पांच बहुत अच्छा भाई शानदार प्रयास है और आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करें बहुत अच्छा शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चलो भैया अगला क्वेश्चन आ चुका है आप लोग जल्दी से सही जवाब बताने का प्रयास करें ऑप्शन ए आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी है जवाहरलाल नेहरू सी है मौलाना आजाद डी है आपका भीमराव अंबेडकर क्या सही जवाब होगा दोस्तों व्यस्क मताधिकार को पंद्रह वर्ष के लिए स्थगित करने का बात कही गई थी जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें तो इसका सही जवाब होगा मौलाना आजाद ने कहा था कि विश्व मताधिकार को ठीक है पंद्रह वर्ष के लिए अस्थित करने की बात कही गई थी पांच का सही जवाब सी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों भारत का वो कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जो सबसे कम उम्र में अध्यक्षता तो में, में, की थी ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर चुका है और जल्दी जल्दी आप लोग लो सही जवाब देने का प्रयास करें बहुत अच्छा शानदार भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है सोलह भागों में बाईस भागों में 24 भागों में डी है 25 भागों में भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाईस भागों में नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा संविधान जब बना था तो दोस्तों उस समय आपका भाग जो है संविधान के कुछ कुल कितने भाग है बाईस भाग और अनुसूची की बात करते हैं अनुसूची की संख्या अब कितना है तो बारह अनुसूची है अनुच्छेद की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद दोस्तो? है दोस्तों तीन सौ पंचानवे लेकिन दोस्तों संविधान संशोधन करके A, B, C, D करके A, D करके तो इसका 25 से ज्यादा कर दिया गया है और अनुसूचित तो बारह ही है ठीक है दोस्तों और आ, आपका आर्टिकल जो है तीन सौ पंचानवे से अधिक दे दिया गया ठीक है मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छा शानदार जवाब है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी से आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करें पंचायतों को सर्वाधिक दर्जा प्रदान किया गया है किसको आर्टिकल 226 के अंतर्गत बी है दो के अंतर्गत सी है दो के अंतर्गत डी है आपका दो के अंतर्गत क्या सही जवाब होगा दोस्तों जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें पंचायती राज जो था दोस्तों अब बात कर लेते हैं पंचायती राज का पंचायती राज प्रणाली जो है दो अक्टूबर पहली बार कब लाया गया था दो अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी में 1959 में कहा से प्रारंभ हुआ था मेरे भाई तो दोस्तों आपका राजस्थान राजस्थान का राजस्थान का नागौर नागौर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से से प्रारंभ हुआ था से, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से तो दोस्तों याद रखना कि पह, ये देखो संविधान बनने के बाद में लाया गया ना तो संवैधानिक दर्जा इनको कब दिया गया था दोस्तों संवैधानिक दर्जा इनको 200 आर्टिकल 243 के अंतर्गत ठीक है नेक्स्ट तो सात का सही जवाब क्या होगा सात का सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल दो के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक दर्जा दिया गया ठीक है बहुत अच्छा और दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की बात करें ना तो यह उपज किनकी है यह महात्मा गांधी का महात्मा गांधी का कंसेप्ट था भाई इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था लाना चाह रहा था विकेंद्रीकरण व्यवस्था लाना चाह रहा था विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों कि विकास जो है नीचे से ऊपर की ओर विकास को विकेंद्रीकरण शासन प्रणाली कहते हैं और यह दिन किसका था लॉर्ड मियो का जो कि रानी विक्टोरिया का पुत्र था और उनकी हत्या कहाँ कर दी गई और दोस्तों अंडमान निकोबार में ठीक है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन भारत के संविधान की उदेश में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई किनते किनते लिखा गया कितने होना चाहिए कितने जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें क्या सही जवाब होगा चलो भारतीय संविधान की उद्देश्य में कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई है दो तीन एक चार क्या सही जवाब होगा दोस्तों जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें भारत के संविधान में उद्देश्य को कितने न्याय व्यवस्था में बांटा गया है तो बहुत अच्छा दोस्तों शानदार जवाब लोग दे पा रहे हैं बिल्कुल इसका सही जवाब तीन हो जाएगा तीन भागों में बांटा गया आठ का सही जवाब क्या होगा बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का दोस्तों याद रखिएगा कि आपका जो भारतीय संविधान है और ये उद्देश्य का जो था सबसे पहले किसने उद्देश्य का प्रस्ताव को पेश किया था या देन किसको कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू का उदेश प्रस्ताव जो आपका उदेश क्या है पहले उदेश के प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था ठीक है दोस्तों और जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार उदेश के प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था और बाईस जनवरी उन्नीस को पास भी हो गया था किस संविधान से लिया गया तो अमेरिका के संविधान से अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण इनमें क्या कारण है क्यों बड़ा इतना है तो ऑप्शन ये है कि इनमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है भी है इनमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है सी है यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है चौथ चौथा अर्थात डी है ये संघ तथा राज्य सरकार के संविधान है क्यों है भाई आप लोग बताने का प्रयास करें जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें भाई भारतीय संविधान इतना बड़ा है क्यों है क्या रीजन है बहुत अच्छा दोस्तों क्या है इनमें विस्तृत प्रशासन के प्रावधान है यह बड़े देश के शासन से संबंधित है यह संघ तथा राज्यों सरकार के संविधान है तो नौ का सही जवाब डी हो जाएगा दोस्तों ठीक है इसमें राज्य और आपका संघ सरकार से संबंधित बहुत सारा चीज बातें बताई गई इसलिए बहुत बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है दोस्तों ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें आपको बताना है मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने राज्य संघ में बांटा है ऑप्शन ए है 14 एवं 6 संघ राज्य बी है 17 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश सी है 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य डी है 17 राज्य एवं 8 संघ बहुत अच्छा तो बिल्कुल शानदार जाओ दोस्तों कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ दोस्तों राज का पुनर्गठन आयोग ठीक है अस्तित्व में आ गया और इसके तहत पहली बार 14 राज्य एवं दोस्तों छह केंद्रशासित प्रदेश था ठीक है तो याद रखिएगा तो दस का सही जवाब क्या होगा ए हो जाएगा कितना दोस्तों याद रखिए कि चौदह राज्य और छह केंद्रशासित प्रदेश वर्तमान में कितना केंद्रशासित प्रदेश है दोस्तों कितना राज है तो अट्ठाईस राज्य है वर्तमान में और आठ केंद्रशासित प्रदेश पहले नौ था और दमन दीव और नागल हवेली को एक साथ मिला लिया गया ठीक है दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और आप लोग दोस्तों याद रखना कि भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठित किया गया है किस आधार पर तो भाषा के आधार पर क्योंकि पोटी राम मल्लू जो थे वो प्राण की बाजी लगा दिया था और कहा भाई कि आप लोग अगर हमारी भाषा के आधार पर नेक्स्ट अपने भाषा का पर, आधार पर अगर राज्यों का बंटवारा नहीं करते हो जान लगा दूंगा और छप्पन दिन के भूख हड़ताल पर पोटी सराम मल्लू की मृत्यु हो जाती है और उन्नीस में पहली बार एक नवंबर उन्नीस में आंध्र प्रदेश ठीक है दोस्तों तेलुगु भाषा के आधार पर ठीक है मद्रास से अलग करके क्या बना दिया गया आंध्र प्रदेश ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जल्दी से बताने का प्रयास करें भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है ऑप्शन ए है जन्म द्वारा बी सम्मिलित द्वारा डी ए भारतीय बैंक में धन जमा करके इनमें से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों जल्दी से बताने का प्रयास करें बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे चुके हैं भाई भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है दोस्तों किसी भारतीय बैंक में धन जमा करके भाई पैसा देकर के आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो क्या नहीं ना दोस्तों याद रखिएगा तो इसका सही जवाब क्या होगा ग्यारह सही जवाब डी होगा का सही जवाब डी हो जाएगा ठीक है दोस्तों और फिर से एक नागरिकता संबंधित कानून आया है और उसके तहत जो है आप जो है नागरिकता प्राप्त कौन कर सकता है तो धर्म से संबंधित लोग ठीक है और जो पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश में रह रहा हो तो उनके प्रति ये दिया गया ठीक है चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर बारह जल्दी जल्दी नागरिकता की बात करते हैं तो कितने भाग में है मेरे भाई तो आप याद रखिएगा संविधान के भाग दो में बताया गया है नागरिकता ठीक है संविधान के संविधान के भाग दो में बताया गया है आर्टिकल आपका से लेकर के के बीच में नागरिकता है ठीक है दोस्तों नागरिकता के बारे में आप लोग जान गए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जल्दी से आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करें बहुत अच्छा शानदार प्रयास आप लोग का चलो भाई बहुत अच्छा अगला क्वेश्चन संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया मतलब छुआछूत अनटचबिलिटी एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी की बात कही गई किस आर्टिकल के तहत ए है चौदह बी है इक्कीस सी है सत्रह डी है आर्टिकल उन्नीस दोस्तों आप लोग जानते हैं छुआछूत का अंत की बात कही गई है आर्टिकल सेवेंटीन के तहत ठीक है कि जैसे कि भाई जो लोग मान लिया जाए कि कह सकते हो कि निम्न कैटेगरी में है तो उनको क्या पहले लोग बहुत दंड देते थे जो रास्ते से उच्च वर्ग के लोग चलते थे निम्न वर्ग वाले के लिए वो रास्ता बंद कर दिया जाता था निम्न वर्ग के लिए मंदिर में भी प्रवेश बंद कर दिया गया था ठीक है दोस्तों ये सब को खत्म करने के लिए संविधान में आर्टिकल 17 जोड़ा गया जिसके तहत छुआछूत का अंत करना जिसका उद्देश्य क्या था छुआछूत का अंत करना था तो दोस्तों पत्र ट्वेल्व का सही जवाब क्या होगा सी हो जाएगा ट्वेल्व का सही जवाब सी हो जाएगा आर्टिकल सत्रह चलो बहुत अच्छा <coughs> आर्टिकल चौदह क्या नेक्स्ट आर्टिकल चौदह समानता का अधिकार से है विधि के समक्ष समानता का अधिकार उन्नीस क्या कहता है वाक की स्वतंत्रता ठीक है दोस्तों याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इक्कीस क्या कहता है प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता बीस और इक्कीस आर्टिकल राष्ट्रीय आपात के समय भी खत्म नहीं होता है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग जल्दी से सही जवाब देने का प्रयास करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर तेरह आपके स्क्रीन पर आ चुका है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 19, आर्टिकल २६, आर्टिकल २९, आर्टिकल ३० क्या सही जवाब होगा दोस्तों से बताने का प्रयास करें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है बताने का प्रयास करें इसका सही जवाब होगा दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग दे चुके हो इसका सही जवाब सी हो जाएगा तेरह का सही जवाब क्या होगा सी हो जाएगा आज के लिए इतना मेरे भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक के बाद तब तक के लिए नमस्कार एक बार आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बंदे मातरम